नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई डीटीएच चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स के बारे में और इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। इसमें क्या क्या फीचर्स है और इसमें क्या क्या क्वालिटी है और आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पैकिंग है और मेरे पास इस तरह के दो सेटअप बॉक्स हैं। ये तो देखिए दोस्तों, ये पूरा पैक है और एक मेरे पास एक और है जो कि मैंने इसको यूज़ किया है पहले, करीबन एक महीना पहले ले आया था इसको। तो ये तो मैंने इसको खोल रखा था, जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो ये मैंने खोल रखा है और जो नीचे वाला है ये पूरा पैक है। तो इसमें क्या क्या सेटअप बॉक्स के अंदर क्या क्या आइटम आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको रखते हैं एक बार साइड में और इस वाले को अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये है मेरे पास ब्लेड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ये सेटअप बॉक्स, एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स एयरटेल एक्सट्रीम। तो इसको रखते हैं एक बार साइड में और इसके अंदर देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ये है दोस्तों रिमोट, एयरटेल एक्सट्रीम रिमोट। रिमोट दोस्तों काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और मैंने इसको यूज़ भी किया है, काफ़ी बढ़िया रिमोट है जो मैंने एक महीना पहले यूज़ किया है इसको। यूज़ करने के बाद में आपको मैं बता रहा हूँ। तो मैंने अनबॉक्स के लिए आपके लिए स्पेशली एक और नया सेटअप बॉक्स मंगाया है जो कि अनबॉक्स करने के लिए। इसमें क्या क्या फंक्शंस आते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और ये है अडेप्टर। अडेप्टर दोस्तों वही है 12 वोल्टेज का जो कि सभी में लगता है, वही सेम अडेप्टर जो सभी में आता है। और इसके अंदर है और HDMI, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और पीछे से बात करें तो पीछे से देखिए दोस्तों, एंटेना से आने वाले तारे और ये ओडीवीडी केबल और ये ऑप्टिकल डॉल्बी साउंड के लिए HDMI और USB और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए और यहाँ पे DC अडेप्टर। यहाँ पे दिया हुआ है मेमोरी लगाने के लिए स्लॉट और यहाँ पे USB लगाने का ऑप्शन और यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम लिखा हुआ है और ये वाला बटन है जो कि ऑन ऑफ करने के लिए है और यहाँ पे एंड्रॉयड का लोगो लिया है और डॉल्बी साउंड। और पीछे देखें तो पीछे ये बटन दिया हुआ है जो कि मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, पता नहीं काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल से पावर रिकॉर्ड और वाईफाई के लिए ऑप्शन दिया हुआ है और एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रीसेट का बटन। इस वाले सेटअप बॉक्स में क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाला सेटअप बॉक्स 4K है और इसमें मूवीज़, एप्स, गेम और TV चैनल भी देख सकते हैं। ये वाला 4K सेटअप बॉक्स है और गूगल असिस्टेंट यानी कि जो कि दोस्तों अलेक्सा आता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये पावर्ड बाय एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है और इसके अंदर हम नेटफ्लिक्स चला सकते हैं, प्राइम वीडियो चला सकते हैं और G5 चला सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं और एयरटेल एक्सट्रीम के कुछ ऐप्स हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये फंक्शंस है और यहाँ पे देखिए दोस्तों, वॉइस रिमोट है यानी कि आप अलेक्सा वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे 5000 प्लस ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे 4K सेटअप बॉक्स है और डॉल्बी साउंड है, स्मार्टफोन को रिमोट बना सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आप ये वाले जो ऑप्शन दिए हुए हैं नेटफ्लिक्स, वीडियो प्राइम जो भी दिया हुआ है वो आपको अलग से मेंबरशिप लेना पड़ेगा, उसके बिना ये सेटअप बॉक्स काम नहीं करेगा। अगर आप नेटफ्लिक्स चलाना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेना अनिवार्य है और वीडियो अमेजन प्राइम वीडियो देखना चाहते हैं तो भी उसके लिए मेंबरशिप लेना अनिवार्य है और G5 के लिए भी मेंबरशिप है। आपका इसके अंदर रिचार्ज होगा, मेन जो रिचार्ज होता है हम TV देखने के लिए रिचार्ज कराते हैं वो रिचार्ज होगा तभी इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये नेटफ्लिक्स है, अमेजन, ये वाले सारे ऐप्स हैं इसको भी हम मेंबरशिप लेंगे तभी इसको यूज़ कर पाएंगे, अन्यथा ये वाला सेटअप बॉक्स के अंदर फ्री वाला कुछ भी नहीं है। और ये वाला सेटअप बॉक्स दोस्तों ओनली एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है, बाकी इसके अंदर कोई भी खास फंक्शंस नहीं है। जैसे कि जो ऐप्स वगैरह दिया हुआ है उसी को हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी जो अलग से अगर हमारे को अलग से चैनल्स वगैरह देखने हैं तो उसके लिए अलग से रिचार्ज कराना पड़ेगा। और जो ये YouTube वगैरह है इसके लिए तो हमारे को अगर हमारे घर में वाईफाई है तो उसको कनेक्ट करके चला सकते हैं, नहीं तो मोबाइल को हॉटस्पॉट कनेक्ट करके
इंटरनेट को यूज़ ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके अंदर मेन बात है, अगर आपका सेटअप बॉक्स में अगर मेन टीवी में रिचार्ज नहीं है तो आप इन ऐप्स को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ भी दिया हुआ है उसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। मेन बात है कि अगर आपका लोग एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स को क्यों लेते हैं, टीवी के अंदर सेटअप बॉक्स के अंदर रिचार्ज नहीं है, तो हम इस ऐप्स के माध्यम से हम टीवी को एंजॉय कर सकते हैं। जबकि यहाँ इस वाले सेटअप बॉक्स में ये वाला ऑप्शन नहीं है कि अगर आपके पास टीवी में रिचार्ज नहीं है तो आप इंटरनेट से इन ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना रिचार्ज के इन वाले ऐप्स को भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यूट्यूब है, तो यूट्यूब अगर चलाना है तो आपके सेटअप बॉक्स के अंदर रिचार्ज होगा तभी इस यूट्यूब को यूज़ कर पाएंगे। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा दोस्तों लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं वीडियो में बताता नहीं हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। दोस्तों आप जब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हमारे को मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही रोज़ नई वीडियोज़ बनाते रहें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय जय भारत। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा दोस्तों लाइक जरूर कर लीजिए।